न्यूट्रिशन एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। मानव सभ्यता के इतिहास में मनुष्य ने जितना लाभ प्रकृति से उठाया है अन्य किसी से नहीं, और प्रकृति ने भी जितना वरदान मानव सभ्यता को दिया है अन्य किसी को नहीं दिया। पूरी धरती पर प्रकृति ने अलग अलग जलवायु, अलग वनस्पति, अलग औषधि और अलग अलग जीवन दिया, लेकिन धरती के किसी भी हिस्से को अपने वरदान से वंचित नहीं किया। ऐसा ही प्रकृति का एक अनुपम उपहार है जो पश्चिमी दुनिया को मिला, ऑलिव। जैसे भारत में नीम, तुलसी, आंवला, हल्दी, पीपल, ठीक वैसे ही यूरोप में अकेला ऑलिव। प्राचीन ग्रीक की सेहत और लंबी उम्र का राज ऑलिव। स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रोम और क्लासिकल ग्रीक के योद्धाओं की ताकत का राज ऑलिव। यूरोप के लोगों की सुंदरता का राज ऑलिव। पश्चिम के प्राचीन इतिहास के किस्से, कहानियों और संस्कृति में हर जगह नजर आने वाला ऑलिव। ऑलिव यानी हिंदी में जैतून। जैतून के पेड़ की उम्र 500 से 1500 साल के बीच होती है। पश्चिमी दुनिया में ऑलिव के जो अवशेष मिले हैं वो इस पेड़ के 20 से 40 लाख वर्ष पुराने होने की ओर इशारा करते हैं। मनुष्य ने इसकी खेती ईसा के जन्म से 7000 वर्ष पहले और व्यावसायिक उत्पादन लगभग 3500 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इसके फायदे जानकर इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया। पश्चिम में जैतून को बहुत पवित्र माना जाता है। ऑलिव की पत्तियां सम्मान, शांति और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। प्राचीन यूनान में देवताओं को ऑलिव की पत्तियां चढ़ाई जाती थी। युद्ध से लौटे विजेताओं का स्वागत इन्हीं पत्तियों से किया जाता था। और कभी एथेंस में होने वाले दुनिया के सबसे पुराने ओलंपिक खेलों में विजेताओं को ऑलिव की पत्ती का ताज पहनाया जाता था, और आज भी यह परंपरा जारी है। यूरोप के प्राचीन देशों के लोग उम्र बढ़ाने के लिए ऑलिव के तेल को खाने में प्रयोग करते थे। राजा, राज परिवार के लोग और खिलाड़ी इस तेल के प्रयोग से अपनी ताकत और प्रजनन शक्ति बढ़ाते थे। ये उम्र को रोकने और जवान बने रहने का एक सीक्रेट था। यूनान, मिश्र और रोम के राज परिवारों की खूबसूरत महिलाएं इस सीक्रेट को जानती थी, वो इसका प्रयोग करती थी। ऑलिव के महत्व का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्राचीन ओलंपिक की मशाल ऑलिव के तेल से ही जलाई जाती थी। आज प्रकृति का ये उपहार ऑलिव यूरोप से निकलकर सारी दुनिया में फैल गया है। यहाँ तक कि वर्तमान में शांति का संदेश देने के लिए बने यूनाइटेड नेशंस के प्रतीक चिन्ह पर भी ऑलिव की पत्तियां अंकित हैं। लेकिन ऑलिव भारत में कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि साल था 2007। भारत सरकार का एक दल कृषि तकनीक के लिए इजराइल दौरे पर गया। वहां इस दल ने ऑलिव की खेती, ऑलिव के फायदे और दुनिया में उसकी डिमांड देखी। बस फिर क्या था, भारत सरकार का ये दल गुजरात और राजस्थान में जैतून की खेती के लिए जैतून को इजराइल से भारत ले आया। साल 2008 में राजस्थान में 1,21,000 जैतून के पौधे लाए गए। राजस्थान सरकार ने 550 एकड़ के 11 सरकारी खेतों में ऑलिव की खेती की तैयारी की। लेकिन ऑलिव पहली बार अपनी धरती से निकलकर भारत आया था, इसलिए उसके पौधों को एक साल तक कोकोपीट के अंदर लैब में रखा गया। और जब पौधा भारत के वातावरण के लिए तैयार हुआ
तब एक साल बाद उनको खेतों में लगाया गया। लेकिन राजस्थान में ऑलिव की खेती से कुछ बड़ा होना था, कुछ अलग ही कहानी बननी थी। 2010 में प्रमुख शोधकर्ता डीपी गढ़वाल की टीम ने एक नई बात नोटिस की कि न केवल ऑलिव का फल बल्कि ऑलिव की पत्तियां भी इन विशेष गुणों से भरपूर हैं। इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए बहुत कारगर होते हैं और भारत के लोगों की जीवन शैली में चाय अभिन्न हिस्सा है। अगर हम ऑलिव की प्रोसेस चाय बना लें तो हम ऑलिव को भारत की जीवन शैली में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऑलिव खाने से लेकर दवाइयों और दवाइयों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पहुंच गया था, लेकिन 20 लाख वर्ष पुराने अवशेष, 3,500 वर्ष पुराने खेती के इतिहास के बाद भी किसी ने ऑलिव की प्रोसेस चाय के बारे में नहीं सोचा। पूरी दुनिया के पास ऑलिव किसी न किसी रूप में था, लेकिन प्रोसेस चाय नहीं थी। शायद सोचा इसलिए नहीं क्योंकि इसके पीछे कहानी बननी थी, इसकी सफलता को अपने आप में इतिहास बनना था, इसको भारत में बनना था। टीम का विचार था कि प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाकर ऑलिव के गुणों को दुनिया में हर जगह उपलब्ध कराया जा सकता है। बस फिर क्या था, ऑलिव की ये टीम साल 2012 में ऑलिव से चाय बनाने में जुट गई। शोध, प्रयोग, जांच लगातार निरंतर चलते रहे। पूरे देश में ऑलिव की फ्रेश पत्तियों को ले जाया गया, कभी ऊटी, कभी दार्जिलिंग, तो कभी कलकत्ता। हर जगह की चाय कंपनियों की मदद ली गई, मगर परिणाम नहीं आ रहे थे क्योंकि सबके पास सामान्य परंपरागत चाय बनाने वाली तकनीक थी। परंपरागत चाय की पत्तियां बहुत नरम होती हैं, जबकि ऑलिव की पत्तियां सख्त होती हैं, इसलिए इनको प्रोसेस करना मुश्किल था। पर ये टीम लगी रही सालों साल। शोधकर्ताओं ने इंजीनियर्स की टीम के साथ मिलकर ऑलिव की पत्तियों की प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल मशीन बनाने की तैयारी की और फिर एक दिन इस टीम ने ऑलिव की पत्तियों को चाय के रूप में प्रोसेस करने की तकनीक खोज निकाली। बस इसके आगे की कहानी इतिहास बन गई। भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ২০১৪ में ये भारत की दूसरी बड़ी सफलता थी, पहला मंगल मिशन और दूसरा ऑलिव टी का आविष्कार। जो ऑलिव दूर देश से लाया गया था उसी की चाय बनाकर भारत ने दुनिया को दे दी। दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका ऑलिव ऑयल टाइम्स ने चाय के इस इन्वेंशन को 2014-15 के एडिशन में कवर पेज पर छापा। पर अब यही नहीं रुकना था, असली सफर तो यहाँ से शुरू होना था। प्रोसेस हो चुका था, तकनीक मिल गई थी। ऑलिव की प्रोसेस चाय को 2015 में एक ब्रांड बनाया गया, ऑलिटिया। इस चाय पर शोध से पता चला कि इसमें हाइपरग्लिसमिक इफेक्ट पाया गया, जिससे डायबिटीज नहीं होती। इसमें ओलिपिन पाया गया, जो हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद है। इसमें लाइकोसिड और हाइड्रोक्सीटेरोसोल पाए गए, जो हार्ट की बीमारियों से बचाता है। इसमें एंटी मेलेनोमा इफेक्ट होता है, जो कैंसर से बचाता है और अर्ली एज के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इस चाय में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट पाया गया, जो जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस से बचाता है। इसमें न्यूमेरोफिनोल्स पाए गए, जो एंटी रेडिकल होते हैं, यानी ये उम्र बढ़ने से रोकते हैं। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई गई, जो सर्दी जुकाम और बुखार से बचाती है। ऑलिव टी के ये तत्व इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की हाई प्रॉपर्टी पाई गई, जो बॉडी को हर हाल में स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई गई। ऑलिव टी में बिल्कुल भी कैफीन नहीं होता। इसमें ग्रीन टी और हर्बल टी से लगभग दोगुने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को सुंदर बनाते हैं और उम्र बढ़ने से रोकते हैं। ऑलिव टी में प्रचुर मात्रा में नेचुरल प्रोटीन पाया गया, जो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बेहद आवश्यक तत्व है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन पाया गया। इसमें हड्डियों को मजबूत बनाने वाले एलिमेंट्स पाए गए। मतलब ऑलिव टी में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के अलावा प्रचुर मात्रा में मिनरल्स पाए गए, जिसे ये चाय की दुनिया में
आउटस्टैंडिंग चाय साबित हुई, ऑलिव डी हेल्थ के लिए ऑल इन वन साबित हुई, और इसी साल अगस्त 2017 में राजस्थान सरकार ने बिना देर किए ऑलिव टी को लॉन्च कर दिया। अब ऑलिव टी हेल्दी टी के रूप में सबके सामने थी। साल 2018 एक खास दिन लेकर आया। 2018 की जनवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए, तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने उनको अपने आवास पर ऑलिव की चाय पिलाई। नेतन्याहू अचंभित थे, वो दुनिया की पहली प्रोसेस ऑलिव टी पी रहे थे, वो भी उस देश में जहां ऑलिव का पेड़ खुद उनके देश से आया था। उन्होंने उसी वक्त भारत से इस चाय को बनाने की तकनीक मांगी। ये राष्ट्र के गौरव के पल थे। आज भारत के हरे भरे ऑलिव फार्म्स में दुनिया की पहली प्रोसेस्ड ऑलिव टी तैयार होती है। ये चाय बहुत ही परिष्कृत तरीके से बनाई जाती है। इसके लिए ऑलिटिया के वर्कर्स सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले ऑलिव फार्म्स में पहुंच जाते हैं। इस वक्त पत्तियों में नमी प्रचुर मात्रा में होती है। सुबह सुबह बहुत ही सदे हाथों से वर्कर्स ऑलिव की चाय के लिए उपयुक्त पत्तियों को चुनते हैं। इन पत्तियों को खास तरह से उल्टी दिशा में तोड़ा जाता है। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में लाया जाता है और यहां शुरू होती है जैतून की चाय बनाने की सीक्रेट प्रक्रिया। एक बार मशीन में ऑलिव की पत्तियां पहुंच जाएं, उसके बाद सारा काम मशीन का होता है। सबसे पहले इन पत्तियों को ओजोनेटेड पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। पत्तियों को ऑटोमेटिक मशीन से इस तरह साफ करते हैं कि इसमें धूल का कोई कण ना रहे। इसके बाद इन धूली पत्तियों को कई विशेष प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। ये प्रोसेस 100% नेचुरल होता है। इस सीक्रेट प्रक्रिया से गुजरने के बाद बनती है ऑलिव टी। नेचुरल ऑलिव टी बनने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद इसके मूल स्वाद के अनुसार इसे तुलसी, पुदीना, लेमन ग्रास के साथ ब्लेंड किया जाता है और इस तरह इसके चार फ्लेवर तैयार हो जाते हैं। ऑलिव टी खास तरह के पिरामिड टी बैग्स में पैक की जाती है। इस खास टी बैग के कागज को जापान से आयात किया जाता है। ये टी बैग 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। पिरामिड टी बैग्स में सामान्य टी बैग्स के मुकाबले ऑलिव लीव्स का इन्फ्यूजन ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, साथ ही न्यूट्रिशन और टेस्ट भी अधिक प्राप्त होता है। इसलिए 76% टी लवर्स पिरामिड टी बैग को पसंद करते हैं और इस तरह मिलती है चार बेहतरीन फ्लेवर्स में दुनिया की एकमात्र प्रोसेस्ड ऑलिव टी। कहानी जारी थी। भारत ने दुनिया को जीरो, त्रिकोणमिति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्म देने के बाद ऑलिव टी दे दी। लेकिन अब ऑलिटिया के सामने एक और टास्क था। उसे ऑलिव टी को भारत सहित पूरी दुनिया में पहुंचाना था, ताकि इसका लाभ और स्वाद सबको मिल सके। लेकिन प्रकृति कुछ और ही कहानी तैयार कर रही थी। प्रकृति ने मानो सारा प्लान अपने हिसाब से तैयार कर लिया था। इधर एक बिजनेस हाउस था जिसका मैनेजमेंट बैंकिंग, आईटी और रियल एस्टेट के कारोबार में था। इनके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस था। ये बिजनेस हाउस बड़े लंबे समय से हेल्थ केयर के एक ऐसे उत्पाद की तलाश में था जिससे भारत और पूरे विश्व की सेहत में व्यापक सुधार किया जा सके। साल 2018 जब इजराइल के प्रधानमंत्री को भारत ने ऑलिव टी पिलाई, तो ये खबर टीवी मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बन गई। देश और दुनिया का मीडिया ऑलिव टी के फायदों के बारे में बात कर रहा था। इन सब खबरों ने इस बिजनेस ग्रुप का ध्यान ऑलिव टी की तरफ आकर्षित किया। इस बिजनेस हाउस ने तुरंत ऑलिव टी के हेल्थ बेनिफिट्स और दुनिया में उनकी उपयोगिता के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। ऑलिव टी, उसमें पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आदि की मात्रा देखकर
इस ग्रुप को ये भांपने में देर नहीं लगी कि ये भारत और दुनिया की हेल्थ की तस्वीर बदल देगी। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का हेल्थ सूचकांक में 154 नंबर है। गौर करने वाली बात ये है कि इस हेल्थ सूचकांक में जो यूरोपीय देश टॉप पर हैं, वो किसी न किसी रूप में ऑलिव काम में लेते हैं। ऑलिव टी की प्रोडक्ट स्टडी, इसके बेनिफिट्स और मार्केट रिसर्च से इस बिजनेस हाउस को यकीन हो गया कि यही वो प्रोडक्ट है जिसकी इन्हें तलाश थी। कहानी आगे बढ़ी और एक तय दिन ओलिटिया मैनेजमेंट और इस ग्रुप की मीटिंग हुई। ओलिटिया पहले से इस चाय को यूरोप और यूके में एक्सपोर्ट कर रही थी और उसका इरादा इस चाय को ज्यादा से ज्यादा संपन्न देशों और 5-स्टार कम्युनिटी के बीच पहुंचाने तक सीमित था। लेकिन इस मीटिंग में इस बिजनेस हाउस ने ओलिटिया मैनेजमेंट को बताया कि ओलिव टी के फायदों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक सेल्स मार्केटिंग का तरीका पर्याप्त नहीं होगा। अगर ओलिव के पूरे फायदे बताते हुए इसे लोगों तक पहुंचाना है तो इसका एकमात्र कारगर तरीका डायरेक्ट सेलिंग ही है। इन्होंने बताया कि व्यापारिक तौर पर भी देखें तो दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग द्वारा लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का व्यापार सालाना किया जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट तो इसी माध्यम से बिकते हैं। आज दुनिया भर में 11 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हैं। अमेरिका के अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, इटली, मैक्सिको, ब्राजील जैसे संपन्न देशों के लोग भी अपने लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आय के साधन के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं। इसीलिए अब भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के भविष्य और इसके द्वारा रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए साल 2016 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की गाइडलाइन जारी कर दी है और अब भारत में यह व्यापार सालाना 7% की दर से बढ़ रहा है। इस मीटिंग में ओलिटिया को मानो एक नया विजन मिल गया। ओलिटिया को इस बिजनेस ग्रुप का हेल्थ फॉर ऑल, वेल्थ फॉर ऑल विजन पसंद आ गया। और फिर एक दिन ओलिटिया ने इस बिजनेस हाउस के एक्सपीरियंस और ओलिव टी के लिए इनके फ्यूचर विजन को देखते हुए इस चाय को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का एक्सक्लूसिव करार ओलिव ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कर लिया। और अस्तित्व में आते ही ओलिव ट्री जिस काम के लिए बनी थी वो मिशन शुरू हो गया। विजन बिल्कुल क्लियर था। जब पूरी दुनिया ओलिव और ओलिव से बने प्रोडक्ट काम में लेती है और उसका फायदा उठाती है, तो फिर हम भारतीय उससे पीछे क्यों रहे, और वो भी तब जब ओलिव आज भारत में ही पैदा होने लगा है। और इसलिए हमने तय किया कि ओलिव और ओलिव से बने प्रोडक्ट भारत के हर घर तक लेके जाएंगे और इसके बाद भारत से बने ओलिव और ओलिव के प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक लेके जाएंगे। और आज दुनिया में हर जगह से लोग अपनी और अपनों की हेल्थ के लिए तेजी से डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ओलिव ट्री वेंचर से जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले सभी लोग हेल्थ के साथ अपनी वेल्थ भी बढ़ा रहे हैं। हमको ओलिव और उसके जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो पता था, लेकिन हमने ये कल्पना नहीं की थी कि भारत के लोग ओलिव ट्री के प्रोडक्ट्स को इतना प्यार करेंगे। लोगों के ओलिव ट्री के प्रोडक्ट्स के जो अनुभव हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं और यही प्यार और भरोसा हमें वो ऊर्जा देता है जिसकी वजह से हम आज ओलिव ट्री के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। लेकिन ओलिव ट्री वेंचर का विजन और भी बड़ा है। वो ओलिव के चमत्कारिक औषधीय गुणों को नए नए तरीकों से लोगों के बीच पहुंचाना चाहती है। ओलिव ट्री वेंचर्स ने बिना रुके अपने अगले पड़ाव की तैयारी शुरू कर दी। उसने नेचर बेस्ड कॉस्मेटिक्स, नेचुरल हेल्थ केयर और फूड प्रोडक्ट्स लाने शुरू कर दिए और इस क्रम में उसने नेचर बेस्ड हेल्थ केयर ब्रांड ओलिव लाइफ लॉन्च कर दिया, जिसमें उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट्स लॉन्च किए, कर्क्यूमिन, मोरिंगा और स्पिरुलिना। धरती और समुद्र से मिलने वाली ये औषधियाँ इतनी ताकतवर हैं कि इन्हें हेल्थ के लिए सुपरफूड्स माना जाता है। इस कंपनी ने एक्सक्लूसिवली ये सुपरफूड्स बनाए हैं जो आज पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। और इस तरह ओलिव ट्री ने आने वाले समय में नेचर बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट की दुनिया में सबसे भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इधर अब ओलिव टी दुनिया के लिए एक हेल्थ मिशन बन गई है
और ऑलिव ट्री वेंचर्स दुनिया के सबसे भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड्स में से एक। इस तरह ऑलिव ट्री वेंचर्स का हेल्थ फॉर ऑल एंड वेल्थ फॉर ऑल का विश्वव्यापी मिशन तेजी से जारी है, जिसका भविष्य सुनहरा है, स्वस्थ है और भारतीय दर्शन और परंपरा को निभाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। Exclusively brought to you by Olive Tree Ventures Private Limited. Olive Life, Nutrition and Prosperity for All.